नमस्कार, मैं उदय शर्मा। राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइन से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रैवल बैन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। भारत का समर्थन करना पाक युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों की देश में एंट्री सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाबंद कराई जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रैवल बैन को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है, जबकि निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद चाड, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन, नॉर्थ कोरिया के लोगों को अमेरिका आने के लिए वीजा नहीं मिल सकेगा। इस साल सितंबर में ट्रंप की ट्रैवल बैन पॉलिसी आई थी। इसके आने के बाद से ही वर्जीनिया सैन फ्रांसिस्को कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की गई थी। वही पाकिस्तान के एक युवक को भारत का समर्थन करना भारी पड़ गया। पाकिस्तान के हरिपुर ये 20 वर्षीय युवक हरिपुर का रहने वाला है। युवक को उसकी इस हरकत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार हरिपुर इलाके में रहने वाले एक युवा फैक्ट्री कर्मचारी को अपने घर की दीवार पर भारत के समर्थन में नारा लिखा था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने इसके घर पर छापा मारा और उसके घर की बाउंड्री दीवार पर हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखा पाया। जब पुलिस ने घर में रहने वाले अन्य लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि साजिद शाह नाम के शख्स ने दीवार को इस नारे के साथ पेंट किया है। पुलिस ने साजिद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 505 के तहत आपराधिक केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत साजिद को 7 साल की जेल के साथ जुर्माना भरने की सजा दी जा सकती है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से युवक की एक दिन की हिरासत भी ले ली। वहीं शशि कपूर का आज सांता क्रूज शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को पूरे राज के सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटा गया। उन्हें विदाई देने के लिए उनके भतीजे ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सैफ अली खान समेत सीने जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंची। बता दें कि 69 साल के शशि कपूर का सोमवार शाम मुंबई के कोकिला बैन हॉस्पिटल में निधन हो गया था। वे लंबे वक्त से बीमार थे। उन्हें शनिवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद एडमिट किया गया था। इससे पहले मुंबई पुलिस ने उन्हें सलामी दी। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। एक्ट्रेस काजोल, रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान, सैफ अली खान और अभिषेक बच्चन शशि कपूर के घर सोमवार रात को उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। काजीगुंडा में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को आज सेना ने मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ा है। 2 आतंकी गत शाम ही मारे गए थे, जबकि तीसरे आतंकी यावर का शव आधी रात के बाद ही बरामद हुआ है। गौरतलब है कि गत दोपहर को आतंकियों ने श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर बोनी गांव काजीगुंड में जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तरफ आ रहे सैन्य काफिले पर हमला किया था। जिस हमले में 3 सैन्यकर्मी जख्मी हुए थे, जिनमें से एक बाद में अस्पताल में अपने जख्मों की ताव ना सहते हुए चल बसा था। इसी बीच अन्य जवानों ने आतंकियों का पीछा कर उन्हें मुठभेड़ में उलझा लिया था। गुजरात चुनाव को ओखी की नजर लग गई है। गुजरात में इन दिनों चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और ऐसे में ओखी ने इसमें दखल डाल दिया है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ओखी ने इन दिनों गुजरात का रुख कर लिया है। इसके कारण राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार करना मुश्किल हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज होने वाली राजूला, महुआ और सीहोर में रैलियों को रद्द कर दिया गया है। ओखी तूफान के कारण वहां पर तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण उस इलाके में हेलीकॉप्टर उतरना आसान नहीं है। यही कारण है कि रैलियों को रद्द कर दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रैली भी रद्द हो गई है। वसुंधरा को माजूरा सूरत में रैली को संबोधित करना था। आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण के लिए 9 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसका मतलब कि 7 दिसंबर को प्रचार बंद हो जाएगा। दक्षिण भारत में तबाही मचाने के बाद अब ओखी ने मुंबई में रुख कर लिया है। इसके कारण कल शाम को मुंबई में झमाझम बारिश हुई है। राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बारिश और तापमान गिरने से लोग अपने घरों में दुबके रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मुंबई ऑब्जर्वेटरी द्वारा चेतावनी देने के बाद राज्य सरकार ने सिंधु दुर्ग, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। मध्य रेलवे मुंबई डिवीजन के मुताबिक राहत बचाव कार्य में प्रयोग होने वाली दुर्घटना राहत ट्रेन, दुर्घटना राहत मेडिकल वैन आदि जरूरी चीजों का प्रबंधन कर लिया गया है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहे राजस्थान टाइम्स।
आवश्यकता अनुसार पहुंचाइए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर। डाटा क्यूब के साथ 10,000 कस्टमरों के सेटिस्फाइड अनुभव के साथ बनवाइए अपने व्यापार की वेबसाइट, पोर्टल, ऐप व सभी प्रकार के ऑनलाइन डिजिटल प्रमोशन। संपर्क करें 9828082777 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू में बगावत करने वाले नेता शरद यादव और अली अनवर को राज्यसभा सदस्य से हाथ धोना पड़ रहा है। इन दोनों नेताओं की राज्यसभा मेंबरशिप खत्म कर दी गई है। लंबी सुनवाई और डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। उन्होंने माना कि दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशन के 10वें शेड्यूल के खिलाफ काम किया है। बता दें कि 2 सितंबर को राज्यसभा में जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह ने सभापति की एप्लीकेशन को देकर दोनों नेताओं की मेंबरशिप खत्म करने की मांग की थी। गुजरात विधानसभा के चुनावों का परिणाम इस बार सभी को चौंका सकता है। इस बार यहां पर सियासी हवा कुछ बदली सी नजर आ रही है। एक सर्वे ने तो यहां तक कहा है कि भाजपा को गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखना काफी मुश्किल लग रहा है। राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। आपको बता दें गुजरात में 9 व 14 सितंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने को है। ओपिनियन पोल के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौट सकती है और उसे 95 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस 82 सीटों पर कमजोर जमा सकती है। ऐसे में अगर सीटों का यह अंतर और घटा तो ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस भी गुजरात में वापसी कर सकती है। सिरोही जिले के दात्राय रेवदर में गुजरात जाते वक्त सांसद ओम माथुर का भव्य स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार ओम माथुर ने गुजरात जाते वक्त कुछ समय के लिए पावापुरी तीर्थ जीव में त्रिधाम में रुककर भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए और गौशाला में गो पूजन किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला के बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल की। गौशाला में पशुओं की स्थिति में चारे पानी आवासीय की जानकारी लेने के बाद उन्होंने बिना माँ के बछड़ों को बोतल से दूध पिलाया। सिरोही जिले के रेवदर पंचायत समिति की ग्रामीण क्षेत्र के सबसे बड़ी पंचायत सोरड़ा भगवान के भरोसे चल रही है। यहाँ पर ना तो सरपंच का पता है और ना ही सचिव का। कभी कभार सचिव के दर्शन हो जाते हैं लेकिन उसके पास 3 गांवों का जिम्मा है। इसके कारण लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरपंच अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ है, जबकि गांव के पंचायत का चार्ज किसी के पास नहीं है। गांव की सार संभाल करने वाला नहीं होने के कारण गांव में जगह जगह रोड टूट गई है और कई जगहों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। चोमू के वार्ड नंबर 30 में महिला से छेड़छाड़ की वारदात के बाद क्षेत्र में 2 समुदाय आमने सामने हो गए। इसके कारण हुए झगड़े में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चोमू में तनाव के हालात हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। क्षेत्र में तनाव से गुस्साए लोगों ने आरोपियों की मांग की और प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद करवा दिया है। इस दौरान लोगों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। अब स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान टाइम और अपडेट के लिए कीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।